पहले गला दबा के मारा गया है, फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट से सर काटा गया है। पूरा एरिया दोबारा स्कैन किया सर, लेकिन लाश का सर कहीं नहीं मिला। शायद कातिल सर अपने साथ कहीं ले गए। सर, कुछ दिन पहले रावटी गांव के एक प्लॉट में एक सरकटी लाश मिली। इस लड़की की उम्र भी 22 से 23 साल है। एक महीने पहले इस लड़की को दफनाया गया। लाश का डीएनए जसवाल फैमिली से मैच नहीं हुआ। व्हाट, बैक टू स्क्वायर वन? कहीं हम किसी चक्रव्यूह में तो नहीं फंस रहे? हम वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आदमी के अंदर जब इंसानियत खत्म हो जाती है तब अपराध का जन्म होता है। कुछ पाने का लालच और कुछ खोने का खौफ, ये अक्सर बहुत कुछ करवाता है जो मानवता और नैतिकता के विपरीत होता है। आज का ये केस भी अपराध की एक ऐसी ही भयानक वारदात से जुड़ा है। बदहाल स्थिति में मिली एक लाश जिसकी शिनाख्त और तहकीकात पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली थी। हेलो मैम, माय नेम इज शगुन पाठक। आपकी एजेंसी के साथ जुड़कर, आपकी एजेंसी का हिस्सा बनकर मुझे शगुन, शगुन बेटा, वो मंचूरियन वाला रेसिपी निकाल के दो ना, बनाना है मुझे। मम्मी, अब तो शांति से इंटरव्यू की तैयारी भी करने नहीं देती, और वैसे भी किस खुशी में आज मंचूरियन बन रहा है? तुम्हारी नौकरी मिलने की खुशी में। चाइनीज पसंद है ना तुम्हें? वाह, अब तक रिजल्ट नहीं आया और आपने पार्टी की तैयारी कर ली। हमें पता है तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, लाओ ये लो, मिल गया आपकी मंचूरियन की रेसिपी का वीडियो। अब मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। थोड़ी देर रुक जाना, संकल्प आ रहा है, छोड़ देगा तुम्हें। उन्होंने तो बहुत पहले से छोड़ दिया हम दोनों को, आपके बेटे ने। भाई है वो तुम्हारा। मम्मी, भाई के भरोसे रहूंगी ना तो ना नौकरी रहेगी और ना ये घर। और वैसे भी हमने जमाल चाचा को बोल दिया है, वो हमें ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, शगुन बेटा, बहुत अच्छी ट्रैवल एजेंसी है, हमने बात कर रखी है, बस आप इंटरव्यू में जवाब अच्छे से दे दीजिए। जमाल चाचा, टेंशन मत लीजिए, शगुन का इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। थैंक्स इमरान, आप लोगों को हम पर इतना कॉन्फिडेंस है, अब तो परफॉर्म अच्छा ही करना पड़ेगा। एयर होस्टेस बनना चाहती थी तो फिर यहाँ इस ट्रैवल एजेंसी में क्या कर रहे हो शगुन? किस्मत ले आई हिमानी मैम, पापा की डेथ के बाद कॉलेज के साथ जॉब करने लगी थी, आसमान में उड़ने का सपना हवा में उड़ गया। आई अंडरस्टैंड, पर ये एक डेस्क जॉब है शगुन, फोन्स लैपटॉप्स पे सारे काम हो जाते हैं, तुम्हारा दुनिया घूमने का सपना इस जॉब में तो पूरा नहीं हो सकता। हाँ मैम, मैं जानती हूँ, और एक तरह से सही है, खुद नहीं घूम पाऊंगी पर दूसरों को तो घुमाऊंगी। कंग्रेचुलेशंस, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू मैम। कम, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? जी, हम और मम्मी। ओह, मम्मी के साथ रहती हो, अच्छी बात है। मैं अकेली रहती हूँ एक्चुअली, मेरे हस्बैंड दीपांशु कनाडा में रहते हैं तो साल में बस एक दो बार मुलाकात होती है, यहाँ अकेली रहती। हिमानी, क्या कंप्लेंट करूँ दीपांशु की, तो माना कि तुम्हारा पति है वो, पर इस कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी वही है, सो थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो यार। शगुन, मीट अखिल। हाय सर। हाय। वैसे इनकी हरकतों से नहीं लगेगा लेकिन ये मेरे बिजनेस पार्टनर है, बड़े बड़े क्लाइंट्स लाते हैं। वैसे आज तक कितने कंट्रीज घूम चुके हो तुम? सिर्फ 50, और घूमने नहीं गया था, काम से गया था। एनीवे, वेलकम टू एफएम टूर्स एंड ट्रैवल्स शगुन राय। थैंक यू अखिल सर।
साहब हमको कुछ नहीं पता। नाम क्या तुम्हारा? सोहेल। तुम्हारे जमीन पे ये लाश पड़ी हुई है, कौन फेंकेगा, किसकी लाश है तुम्हें कुछ नहीं पता? वो पास वाले प्लॉट में ये किसान लोग अपने मरे हुए जानवरों की लाशें फेंकते, बस इतना मालूम है साहब हमको। कहाँ पर? साहब ये वो जमीन। सुमित सर आसपास देखो, सर यहीं कहीं होगा। सर शुक्ला बॉडी बुरी तरह से गल चुकी है, शिनाख्त हो पाना मुश्किल है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और आसपास के इलाकों में पता करो, शायद कहीं पे कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो। सर सब जगह अच्छे से देख लिया लेकिन बॉडी का सर कहीं नहीं मिला। अरे शगुन, वो हम कह रहे थे कि हम और तुम्हारी भाभी ना आज मम्मी को फ्लैट दिखा के लाए हैं, उनको पसंद ही नहीं आया, हम कल दूसरा फ्लैट दिखाने लेके जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। आप लोग जाओ भैया, हमें ऑफिस में काम है। अरे सुनो ना, संडे को चल लेना, संडे को तो तुम फ्री होगी ना। आप लोग जाओ। पहले गला दबा के मारा गया है, फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट से सर काटा गया है। मारने के बाद गला काटा गया ताकि बॉडी की पहचान ना हो। एक और बात, बॉडी पे नमक के ट्रेसेस मिले हैं, शायद नमक इसलिए छिड़का गया है ताकि बॉडी जल्दी से गल जाए, और ऐसा ही हुआ है, बॉडी काफी हद तक गल चुकी है। मौत कब हुई होगी? तकरीबन एक हफ्ते पहले, अगस्त 1 से 3 के बीच में। विक्टिम की उम्र क्या होगी डॉक्टर? 22 से 23 साल। सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, पर लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। एक और बात, ये देखिए लड़की के लेफ्ट हैंड पे एक टैटू है, ए बना हुआ है। शायद लड़की का नाम ए से शुरू होता होगा, इस टैटू के जरिए लड़की की पहचान हो सकती है। मम्मी तुम उनके साथ फ्लैट देखने क्यों गई थी? संकल्प भैया तो चाहते ही है कि वो ये घर बेचकर अपने लिए फ्लैट खरीद ले, पर तुम्हें तो समझना चाहिए ना। हम सब समझते, तुम चिंता मत करो, ये घर नहीं बिकेगा, ये घर सिर्फ तुम्हारा है। क्या है ना कि संकल्प का मन रखने के लिए हम चले जाते हैं और हर बार कोई ना कोई गलती निकाल के टालते रहते। अरे वाह मम्मी, तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली। अब तुम भी स्मार्ट बन जाओ, अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो जिसके साथ पूरी दुनिया घूमना है। कोई लड़का पसंद का है भी तो तुम्हें क्यों बताओ। चलो खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। सर 22-23 साल की किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट पिछले एक महीने में तो हमारे पास नहीं आई है। हाँ लेकिन मोमिनपुर में 4 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है जिनकी उम्र विक्टिम से मैच करती है। मैंने उन सभी लड़कियों के परिवार वालों से बात की है। ये पहली लड़की सर रमा गोयल सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्लियर नहीं कर पाई इसलिए आत्महत्या करने के इरादे से घर से भाग गई, लेकिन कुछ दिन के बाद खुद ही घर वापस आ गई। और यह दूसरी लड़की अरुणा बहल ससुराल से भागी, मायके में मिली। और यह तीसरी लड़की संजना, ये भी दहेज की मांग से तंग आकर अपनी सहेली के घर पर रह रही थी सर, और अभी इसने डिवोर्स फाइल किया। और चौथी लड़की? सर चौथी लड़की का फोटो नहीं मिला है, आशा मौर्या नाम है इसका, अपने पति के साथ रहती थी लेकिन अब मिसिंग है। आशा मौर्या, हमें जो बॉडी मिली है उसके हाथ पर एक टैटू है, कहीं वो बॉडी आशा की तो नहीं? अखिल सर आई थिंक हमें आइटिनरी में फुकेट म्यूजियम ऐड कर देना चाहिए, और ये कुछ प्लेसेस है फुकेट में जो लेस एक्सप्लोर्ड है। कमाल है शगुन, मैं फुकेट 3 बार गया हूँ, इतनी सारी प्लेसेस तो मुझे भी नहीं पता। तुम कितनी बार गए हो फुकेट? कभी नहीं। सीरियसली? यस सर, लेकिन घूमने का बहुत शौक है इसलिए ट्रैवल वीडियोस देख के वर्चुअल टूर कर लेती हूँ। बाय द वे सर, आपकी तो अच्छी खासी जॉब थी, फिर आप वापस इंडिया क्यों आ गए? हाँ वो एक देशभक्ति की फिल्म देख ली मैंने, अंदर का देशभक्त जग गया और इमोशनल होकर वापस आ गया। हाय हिमानी। सर मैं आइटिनरी अपडेट कर देती हूँ। यस सर। आशा अपने प्रेमी के साथ मजे कर रही होगी और आप मेरे जख्म को देने चले आए। संजय जी मेरी बात सुनिए, हमें जिस लड़की की लाश मिली है
उसकी उम्र तकरीबन उतनी है जितनी आपकी पत्नी की आशा की। जैसा आपने बताया है आशा के हाथ में ऐसा कोई टैटू नहीं था। अब भागने के बाद अगर बनवाया होगा तो पता नहीं। चलिए चली जाइए आप यहाँ से। हट सामने से। अंदर कौन है? सब ठीक है? हाँ। अरे ऐसे कैसे घुस रहे? सर्च वारंट है क्या आपके पास? बोला ना, हट सामने से। चल हट। रण को बोला। ये तेरी बीवी आशा है ना, इसलिए हमें भगाने के लिए इतना उतावला हो रहा था। क्या करता साहब, सब लोग हंस रहे थे मुझ पर, कह रहे थे मैं अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाया इसलिए भाग गई। फिर मैंने ढूंढ निकाला दोनों को, इसका यार भाग गया। इन सब मैं इसको अच्छे से संभाल के रखता था। भैया आप यहाँ क्या कर रहे? तुमने ऑफिस में सबसे ये कह रखा है कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है? भाई का कौन सा फर्ज निभाया है आपने? माँ और बहन को छोड़कर घर से भाई बन बैठे हो। तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हम यहाँ पे। घर गए थे, मम्मी ने बोला तुम्हें टिफिन देने के लिए, तो आए हैं। पकड़ो। ये झूठी हमदर्दी से कुछ नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो हम वो घर बेचने नहीं देंगे आपको। शगुन घर बेच के सबका फायदा है, तुम्हारा भी, मम्मी का भी और हमारा भी। रहने दीजिए संगल भैया, आज अगर पापा जिंदा होते हम और पढ़ते, हमारा एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा होता। आपकी वजह से हमें वो सपना छोड़ना पड़ा। अब जब आपका सपना वो घर बेचने का पूरा नहीं हो पाएगा, आपको पता चलेगी हमारी तकलीफ। सर आओ। शुक्ला सर, 1 से 4 अगस्त का डम डेटा स्कैन किया, जिस एरिया में हमें लाश मिली थी उस एरिया में मर्डर के दौरान तकरीबन 800 नंबर एक्टिव थे। उसमें से 100 नंबर ऐसे हैं सर जो बाहर के लोगों के हैं। उन सभी नंबर्स को स्कैन किया, उनकी अलावाही चेक की। कोई क्लू मिला? जी सर, 2 नंबर सस्पिशियस हैं। 1 नंबर लखनऊ का है लेकिन उसकी डिटेल अभी तक मिली नहीं, और दूसरा नंबर हिसार का है, किसी अनीता जायसवाल के नाम पे रजिस्टर्ड है। लेकिन सर ये दोनों नंबर अभी स्विच्ड ऑफ हैं। अनीता जायसवाल ए, तो जो बॉडी हमें मिली अनीता जायसवाल की तो नहीं? शुक्ला हिसार निकलो, अनीता जायसवाल का पता लगाओ। ओके सर। मिस्टर शास्त्री शुद्ध शाकाहारी है, उनके क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे, फिर भी तुमने उनका बुकिंग ऐसे होटल में क्यों किया जहाँ पे नॉनवेज सर्व होता है? हाँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा शगुन? वो मैम मुझे कुछ नहीं सुनना है। देखो तुम्हें ना यहाँ पे काम करने के पैसे मिलते हैं, ये ऐसे बहाने बनाने के नहीं। जाओ अब काम करो। सॉरी मैम, सॉरी। एक गलती की वजह से आज इतना बड़ा क्लाइंट हाथ से चला जाता। ठीक है ना हिमानी? नहीं है यार, अभी सीख जाएगी धीरे धीरे। सीख जाएगी? हमने स्कूल खोला है क्या यार? हाँ, हम पे करते हैं उसे, उसे प्रोफेशनल होना ही होगा, वरना इस जॉब से हाथ धोने पड़ेंगे उसे। यूपी पुलिस, क्या ये अनीता जायसवाल का घर है? अनीता से हमारा कोई वास्ता नहीं है। जिस दिन वो उस लड़के समीर के साथ भागी है उस दिन से हमारा रिश्ता खत्म। हमें एक लड़की की लाश मिली है बिना सर की, और हमें ऐसा लगता है कि शायद वो लाश आपकी बेटी अनीता की हो सकती है। कि क्या बकवास कर रहे हैं आप? अभी खुद कह रहे हैं कि आपको लाश का सर नहीं मिला है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो हमारी बेटी अनीता की लाश? क्योंकि जिस एरिया में हमें लाश मिली उस एरिया में अनीता का फोन एक्टिव था। क्या अनीता समीर के साथ बिजनौर गई थी? नहीं जानती मैं, लेकिन वो लाश मेरी बेटी अनीता की नहीं हो सकती। क्या आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? अनीता सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी फोटो डालती रहती थी। अनीता का प्रोफाइल मैंने खुद चेक किया सर,
लेकिन हो सकता है कि उसका मीट बुक अकाउंट कोई और हैंडल कर रहा हो। बिल्कुल हो सकता है ये अनिता वाकई जिंदा, पर कहीं आशा की तरह ये अनिता का एंगल भी हमें घुमाकर वापस वही ना ले आए। अब चांस तो लेना पड़ेगा। मैं अनिता के परिवार से एक बार और बात करता हूँ और अनिता के बॉयफ्रेंड समीर के बारे में पता कर। अगर जरूरत पड़ी तो अनिता के पेरेंट्स के डीएनए सैंपल लेकर लाश के डीएनए सैंपल से मैच करके देखते हैं। अगर डीएनए मैच हो गया तो कातिल खुद ब खुद हमारी पकड़ में आ जाएगा। ओके सर। अरे शगुन, तुम इस वक्त यहाँ? Is everything all right? Sorry sir to disturb you, but काम ही कुछ ऐसा था। मैं अंदर आ जाऊँ? Yeah, sure, please come. हाँ, तुम कुछ कह रही थी। वो मुझे आपकी याद आ रही थी। कितना आसान होता है ना बच्चों का कुछ महीने के रिश्ते के लिए अपने माँ बाप से जुड़े जन्म के नाते को छोड़ के चले जाना। अनिता जान थी हमारी। अनिता बेटा, ये पैसे लॉकर में रख दो, इसमें से 2000 ले लेना अपने लिए ना। पापा 3000 ले लो, एक्चुअली नए शूज लेने। अरे बेटा, पूछने की क्या बात है, ले लो। थैंक यू। तकरीबन एक साल पहले अनिता को जॉन्डिस हुआ था। बीमारी से तो ठीक हो गई लेकिन कमजोर बहुत हो गई थी। कई जगह डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मेरी सहेली ने हमें बाबा हिदायत अली के बारे में बताया। हम अनीता को लेकर के फौरन बाबा के पास गए। हैवानी रूह की सायों से तू आजाद हो जाएगी, ये तावीज तेरा हिफाजत करेगा। बाबा के इलाज से अनीता बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। एक बीमारी से तो ठीक हो गई लेकिन वहां उसे दूसरी बीमारी लग गई, प्यार की बीमारी। क्या समीर अनीता से वहीं मिला था? जी हाँ, वो बाबा का चेला था। ये तावीज तेरा हिफाजत करेगा। उसने अनीता पे काला जादू किया था। दर्शन जी, क्या आप इन सब बातों को मानते हैं? मानता तो नहीं था लेकिन मानना पड़ा। जिस तरीके से अनीता समीर के पीछे पागल थी, चुप चुप के उससे मिलती थी। मेरे ड्राइवर ने तो एक बार मुझे फोटो खींच के भी दिखाई लेकिन विश्वास नहीं किया मैंने। लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो फिर क्या किया आपने? कुछ नहीं सुनना अनीता, बस आज के बाद तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। समझ गई पापा, आप भी औरों जैसे निकले, अमीर गरीब जात पात को मानने वाले, लेकिन आप अपनी पसंद मुझ पे थोप नहीं सकते। मैं किससे शादी करूंगी और किससे नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। और अगले दिन अनीता घर से भाग गई, 5 लाख की ज्वेलरी और कैश लेके गई। वो लाश अनीता की है या नहीं इसका पता सिर्फ डीएनए टेस्ट से ही चल सकता है, तो आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं। समीर जिस बाबा के यहाँ काम करता था वहां का एड्रेस दीजिए। समीर? मैं कोई समीर को नहीं जानता। हिदायत अली, सीधी तरह से बोल दे, नहीं तो भूत उतारने के मुझे और भी तरीके आते हैं। सच बोल रहा हूँ साहब, समीर नाम का कोई बंदा था ही नहीं मेरे चेला। राम देख, फोटो देख ऐसे, ये कौन है, तेरा दामाद है? साहब ये तो साकिब है। साकिब? जी साहब, 3 महीने पहले काम छोड़कर अपना घर चला गया। ये साकिब रहता कहाँ है? लखनऊ में। जी साहब। और सर, जो नंबर हमें लखनऊ में क्राइम सीन पर एक्टिव मिला था वो नंबर किसी फेक आईडी से लिया गया था। अनीता के नंबर के साथ साथ ये नंबर भी बंद है और अब ये समीर और साकिब का खुलासा। अनीता को साकिब समीर बनकर मिला और अनीता अपने घर से 5 लाख के जेवर लेकर भागी। शुक्ला, मुझे लव स्टोरी नहीं क्राइम स्टोरी लगती और इस क्राइम स्टोरी का मास्टर माइंड है ये साकिब और समीर। मैं इस साकिब का लखनऊ में पता करवाता हूँ, जल्द हाथ लग जाएगा। दीपांशु, यस आई नो हमारे कंपनी के बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं दिख रहा है अभी, बट ये तो स्टार्टअप है,
हमें थोड़ा वक्त दो प्लीज प्लीज प्लीज. ओके बाय. हिमानी तुमने बुलाया? अखिल ये क्या चल रहा है? दीपांशु का कॉल था. तुम्हारी वजह से मुझे कितना सुनना पड़ा पता है तुम्हें? कह रहा था कि तुम्हारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके मैं जो कमा रहा हूँ उससे ज्यादा मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके कमा लेता. हिमानी मैं समझ सकता हूँ यार, दिल्ली में मेरी एक दो बड़े टाइकून से बात चल रही है, इवन आई एम वर्किंग ऑन इट. अखिल एक मिनट, देखो तुम अगर काम पे कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा. क्या है? बाद में आओ. समीर और साकेत, बोल अनिता को क्यों मारा? सर कहाँ उसका? अनिता मर गई? ये आप क्या कह रहे साहब? ऐसा नहीं. नौटंकी बंद कर, सीधा सीधा बोल. साहब मैंने अनिता को नहीं मारा, आप क्या कह रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा. कसम से साहब, मेरा और अनिता का बहुत बहुत पाक रिश्ता था. ये तावीज पहन, दो हफ्ते बाद अपने घर के आंगन में गाड़ देना. मम्मी पापा आप लोग गाड़ी निकालिए, मैं फ्रेश होके आती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा. बेचारा तावीज गले में जाने के बजाय खड्डे में जा रहा है. सॉरी मेरी बातों का बुरा मत मानिए, पर मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बात इस तावीज की नहीं है, विश्वास की है. दवा काम नहीं कर रही है तो शायद दुआ काम कर जाए. चलो अच्छा है तुमने मेरी बात तो मानी. तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं क्यों तुम्हारा पीछा करूंगा, मैं तो बस यहाँ पे घूमने आया था. अच्छा, वैसे उस दिन अगर तुम मुझे नहीं मिले होते तो शायद इस ताबीज पर मैं कभी यकीन नहीं कर पाती. थैंक यू सो मच, चलो बाय. दोस्त को थैंक यू नहीं बोलते. जल्दी दोस्त भी हो गए हम, वेरी स्मार्ट. इंसान को अक्लमंद होना चाहिए, स्मार्ट तो आजकल फोन्स भी होते. साहब हम जब भी एक दूसरे के साथ रहते थे तो हमें वक्त का पता ही नहीं चलता था. ऐसा लगता था कि हम एक दूसरे के लिए ही बने. फिर साहब धीरे धीरे हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे. फिर साहब एक दिन. पापा आप यहाँ? चल मेरे साथ. और सुन मेरी बेटी से दूर रहे, पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ. उसके बाद मैं अनिता से कभी नहीं मिला साहब. मैं हिसार छोड़ के लखनऊ आ गया था. मुझे तो लगता है कि अनिता के बाप ने ही उसको कुछ ना कुछ करा दिया होगा. अब तो बिछड़े आशिक की एक्टिंग कम कर, तुझे क्या लगता है हम भी तेरे झांसी में आ जाएंगे? जैसे तूने गलत नाम बताकर अनिता को फंसाया हमें भी बहलाएगा? नहीं नहीं साहब, मैंने अनिता से कोई झूठ नहीं बोला. उसे बहुत अच्छे से पता था कि मेरा नाम साकेब है और समीर नहीं है. साहब उसे लगता था कि उसके पापा बिरादरी के बाद शादी नहीं कराएंगे, इसलिए उसने मेरा नाम अपने घर पर झूठ बताया था कि मेरा नाम समीर है. जब तक हम पूरे सच का पता नहीं लगा लेते तुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे. साहब मैं सब सच बता चुका. अच्छी तरह खातिर करो इसकी. मैं झूठ नहीं कह रहा साहब, सब सच बता चुका हूँ साहब. मुझे लगता है बॉडी अनिता की है और उसे समीर और साकिब ने मारा है. इसके कॉल रिकॉर्ड्स कब तक आएंगे? एक दो दिन में आ जाएंगे सर. वैसे सर मैं एक बात सोच रहा था, ये ऑनर किलिंग भी तो हो सकती है क्योंकि अनिता के पिता दर्शन जी काफी पुरानी हालत के आदमी हैं. मुमकिन है, उनके पिछले एक महीने के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो. सर डीएनए रिपोर्ट्स आ गए, लाश का डीएनए जायसवाल फैमिली से मैच नहीं हुआ. बैक टू स्क्वायर वन, मतलब वो लाश अनिता की नहीं है सर? कहीं हम किसी चक्रव्यूह में तो नहीं फंस रहे? हम वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है. मतलब सर? मतलब जहाँ से हमें बॉडी मिली वहाँ से हमें अनिता का नंबर एक्टिव मिला. हम इस लीड को ऐसे नहीं जाने दे सकते. कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिता ने किसी को मारकर फेंक दिया और वो ये दिखाना चाहती है कि उमर चुप? लेकिन सर अनिता ऐसा क्यों करेगी? अभी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ. ये साकिब और समीर से प्यार करना, ये घर से जेवर चुराना, कहीं ये सब कुछ हमें उलझाने के लिए रचा गया कुछ चक्कर भी तो नहीं? जबकि अनिता का असली मकसद कुछ और ही हो. हो सकता है सर. शुरू में मुझे भी ताज्जुब हुआ था इस बात पे. अनिता पढ़ी लिखी लड़की है, अमीर घर की लड़की है, वो एक हाई स्कूल पे लड़के के प्यार में कैसे पड़ जाएगी? लेकिन शुक्ला
अगर अनीता ने इतनी शातिर प्लानिंग की है कि सबको ये लगे वो मर चुकी है, तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव रखने की बेवकूफी नहीं करेगी। पता लगाओ अनीता का सोशल मीडिया अकाउंट आखिरी बार कहाँ से लॉगिन हुआ था। यस सर। शुक्ला, अनीता का फोन सर्विलेंस पर डालो और उसकी पूरी हिस्ट्री निकालो। ओके सर। अरे शॉ, मैं तुरंत ही टिकट बुक कर देती हूँ। नाम बताना पूरा। अनीता जायसवाल, भोपाल। अनीता जायसवाल पुलिस के लिए मानो एक पहेली बन गई थी, और इस पहेली को सुलझाने के लिए अनीता की कहानी का एक एक सुरा ढूंढना बहुत जरूरी था, और इसी तलाश में पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण सिरा लगा। अनीता जायसवाल कौन? सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं याद दिला दूं ना, वही अनीता जायसवाल जिसकी वजह से आपकी बीवी आपको छोड़कर चली गई थी। देखिए सर, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ये पर्सनल नहीं, क्रिमिनल मैटर है मास्टर जी। एक लड़की की लाश मिली हमें, और शायद इस लाश का अनीता के साथ कोई कनेक्शन है। अभी सबको साफ साफ बोल दीजिए, वरना। सर अनीता ने 2 साल पहले हमारे क्लासेस को ज्वाइन किया था, अक्सर अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आ जाती थी। अरे अनीता, तुम तो पूरी तरह से भीग चुकी हो। ये लो, साफ करो। थैंक यू सो मच सर, कितने अच्छे हो आप। क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लगती आपको? सर कुछ समय तक हमारा अफेयर चला, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब गलत है। मैं जब जब उससे दूरी बढ़ाने की कोशिश करता, वो हर बार मुझे अपने अदाओं से रिझा लेती थी, और फिर एक दिन अचानक। क्या बात करें भाई साहब, हमने किसको प्रेजेंट कर दिया? कितनी लड़कियों को मां बनाया साले तूने? अनीता जायसवाल की बात कर रहा हूं मैं। एक बात कान खोल के सुन ले, दोबारा तेरी क्लास यहां नहीं लगनी चाहिए। अनीता प्रेग्नेंट थी। सर उसने मुझे कभी नहीं बताया, अब बाद में पता चला कि उसका बाप इस बात को दबा देना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। सर मैं बहुत डर गया था, इसीलिए उस दिन के बाद से मैंने उससे सारे नाते तोड़ लिए, और एक दिन वाइफ को पता चल गया सब, और वो मुझे छोड़कर चली गई। सर हो सकता है टीचर मिश्रा अब भी अनीता के टच में हो, मैं इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा के चेक करता हूँ। सर अनीता का सोशल मीडिया अकाउंट पिछले 1 महीने में 2 जगह से लॉगिन हुआ है, लखनऊ और भोपाल, और अनीता के फोन की लास्ट लोकेशन लखनऊ की थी। लखनऊ में जितने भी छोटे बड़े होटल हैं, लॉजेस हैं, सब जगह अनीता की फोटो सर्कुलेट करो, शायद कोई लीड मिले। जहाँ पे हमें बॉडी मिली वहाँ पर एक नंबर लखनऊ का भी एक्टिव था, उसके बारे में कुछ पता चला? अब तक नहीं सर। लखनऊ और भोपाल पुलिस से कॉन्टेक्ट करो, 1 से 4 अगस्त के बीच में जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई सबकी डिटेल्स निकलवाओ, हो सकता है विक्टिम लखनऊ या भोपाल की। लखनऊ के कांति नगर पुलिस स्टेशन में 3 अगस्त को एक 22 साल की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। लखनऊ। शगुन पाठक 3 अगस्त की रात से मिसिंग। हमें जो सरकटी लाश मिली उसकी मौत भी 1 से 3 अगस्त के बीच में हुई। कोई सस्पेक्ट? हाँ सर है ना, प्राइम सस्पेक्ट है सर, लड़की का बड़ा भाई संकल्प पाठक। ये सब दोनों भाई बहनों में अक्सर अनबन रहा करती थी, वो प्रॉपर्टी का मसला था, और लास्ट कॉल जो शगुन पाठक को आया वो संकल्प पाठक का ही है। तो आपने उसे इंटरोगेट क्यों किया? इतना अर्सा हो गया, इस केस में अभी तक आपको कोई क्लू नहीं मिला? सर ये लखनऊ है सर, और उस लोकेलिटी की जिसके शगुन थी वहां से तो आए दिन लड़कियां भागा करती हैं सर। अब कई लड़कियां अपने दोस्त यार के साथ मजे करने के नाम पे भाग जाती हैं, और कई तो फिल्मों में हीरोइन बनने के नाम पे भाग जाती हैं। अब आप ही बताइए हम किस किस को खोजते बैठे हैं। लखनऊ हो या लुधियाना, पुलिस का काम क्या है? और हम नहीं ढूंढेंगे तो कौन ढूंढेगा? लड़की का परिवार बैठा है पुलिस के भरोसे, और पुलिस भगवान भरोसे। शगुन की माँ के DNA को शगुन की बॉडी के DNA से मैच करो, और शगुन की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सब कुछ पता करो। लेकिन सर जिस लड़की की लाश हमें मिली थी उसके हाथ पर 1 का टैटू बना हुआ था, और इसका नाम तो शगुन है। गलती शायद यहीं हुई है, वो टैटू शायद हमें गुमराह करने के लिए बनाया गया, पर अब हम और गुमराह नहीं होंगे। नहीं, शगुन के हाथ में कोई टैटू नहीं था। हमने कहा ना कि वो लाश शगुन की नहीं है, इतनी बेरहमी से
कौन किसी को मार सकता है? सही है शगुन के कॉल रिकॉर्ड्स। अपने बॉस अखिल से काफी बातचीत होती थी, वो भी हर रोज रात के 2-3 बजे तक। रात रात भर बातें। A4 अखिल, वो टैटू अखिल का नाम का भी हो सकता है। सर इस अखिल को उठाऊं क्या? नहीं अभी रुको, DNA रिपोर्ट आने दो। शगुन की माँ का कहना है कि शगुन के हाथ पर कोई टैटू था ही नहीं। एक बार DNA रिपोर्ट से पहले ये साबित हो जाए कि बॉडी शगुन की है या नहीं, फिर देखते हैं। लोकल पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट है शगुन का भाई संकल्प, उसे बोलो। जी सर। इस केस की तहकीकात पुलिस को बिजनौर से लखनऊ ले आई, लेकिन पुलिस और अपराधी के बीच का फासला अब भी मीलों का था। विक्टिम की पहचान अब भी एक राज बना हुआ था। क्या अनीता इस साजिश की मास्टरमाइंड थी? क्या वो लाश वाकई शगुन की थी? और इन सभी सवालों के जवाब के लिए अब पुलिस DNA टेस्ट पर निर्भर थी। लेकिन DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने में अभी वक्त था, और इस दौरान बहुत से चौंका देने वाले खुलासे होने बाकी थे। सर लेकिन हम अपनी बहन को क्यों मारेंगे सर? क्योंकि तुम्हारी बहन घर बेचने को राजी नहीं हो रही थी और तुझे पैसों की जरूरत। सर ऐसा नहीं है सर, शगुन मान चुकी थी, सिर्फ मम्मी को मनाना बाकी था बस। आप कितनी भी कोशिश कर लो, हम वो घर बेचने नहीं देंगे आपको। शगुन घर बेच के सबका फायदा है, तुम्हारा भी, मम्मी का भी और हमारा भी। रहने दीजिए संकल्प भैया, आज अगर पापा जिंदा होते हम और पढ़ते, हमारा एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा होता। आपकी वजह से हमें वो सपना छोड़ना पड़ा। अब जब आपका सपना वो घर बेचने का पूरा नहीं हो पाएगा, आपको पता चलेगी हमारी तकलीफ। शगुन तुम्हारा सपना अभी पूरा हो सकता है। वो तनेजा बिल्डर्स है ना, हमने उसे पूरी बात कर ली है। वो हमारा घर खरीद के हमें 2 2BHK के फ्लैट देने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखो एक में तुम और मम्मी रह लेना, दूसरा हम बेच देंगे, तुम्हारे एयरोस्टेस की फीस भी निकल आएगी और हमारा भी काम हो जाएगा। मम्मी नहीं मानेगी, पापा की यादें जुड़ी है उस घर से। तुम कह के तो देखो, तुम बोलोगी तो मान जाएगी, करोगी ना बात? लेकिन तुम्हारी बहन ने माँ से बात की ही नहीं, इसलिए तो बौखला गया और बौखलाहट में तूने शगुन को मार डाला। सर ये सच नहीं है सर, हमने अपनी बहन को नहीं मारा। सर DNA रिपोर्ट आ गई है सर, और ये चौंका देने वाली है। शगुन की माँ का DNA डेड बॉडी के DNA से मैच हो गया था, वो शगुन की लाश है सर। हमें क्यों दे रहे हो अस्थियां? हमने कहा था ना कि शगुन के हाथ में कोई टैटू नहीं था, वो लाश शगुन की नहीं थी। वहाँ DNA मैच हुआ है, ये शगुन की अस्थियां। सॉरी सर, अखिल तो 3 दिन पहले ही दुबई चला गया। चला गया या भाग गया? क्या मतलब? सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा जवाब चाहिए। क्या अखिल और शगुन का अफेयर था? नो सर, आई डोंट थिंक सो। अखिल तो शगुन का बॉस था। व्हाट यू थिंक डजंट मैटर मैम, मैटर करता है सवाल। क्या कोई बॉस अपने एम्प्लॉय से रात के 3 बजे तक बातें करता है, वो भी हर रोज? सर आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं अखिल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो प्रोफेशनल है। अखिल को वीडियो कॉल करिए नाउ। जी सर, कैजुअल अफेयर था, कुछ भी सीरियस नहीं था हम दोनों के बीच में। पर मामला सीरियस है, शगुन का कत्ल हुआ है। अरे लेकिन उसके मर्डर से मेरा क्या कनेक्शन सर? वो तो बाद में पता चल जाएगा, फिलहाल आप ये बताइए, क्या शगुन आपको शादी के लिए फोर्स कर रही थी? मैंने कहा ना आपको, हमारा सिर्फ कैजुअल अफेयर था। लेकिन आप मेरी बात को सीरियसली लीजिए, जितनी जल्दी हो सके वापस आइए और आकर हमारी तहकीकात में हमें कोऑपरेट करिए, आपके लिए बेहतर होगा। समय शगुन का लैपटॉप चेक कर रही थी, उसमें ये एक फाइल मिली है। शगुन ने एक टिकट बुक की थी अनीता जायसवाल, वो भी उस दिन की जिस दिन वो घर से भागी थी, भोपाल वन वे टिकट। तो मतलब शगुन और अनीता एक दूसरे को जानती थी? अनीता के पेरेंट्स और साकिब उर्फ समीर, इन दोनों से शगुन के बारे में पूछो। यस सर। अखिल तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, देखो तुम बस इंडिया वापस आ जाओ। पुलिस को शक तुम पे नहीं, शगुन के भाई पर है। सर आपके और अखिल के बीच में क्या रिश्ता? सर हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। सिर्फ बिजनेस पार्टनर या कुछ और? सर प्लीज, आई एम हैप्पीली मैरिड। कहाँ से पता चले आपको ये सारी बकवास? ये है वो बकवास, आपके कॉल रिकॉर्ड्स। कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1 महीना पहले अखिल और शगुन के बीच में लंबी लंबी बातें होती थी, देर रात तक।
लेकिन उससे एक महीने पहले तक अखिल की बातें होती थी आपसे। सर एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि मेरा और अखिल का अफेयर था, तो इससे इस शगुन के मर्डर से या इन्वेस्टिगेशन से क्या लेना देना? आपने इतना तो मान लिया कि आपका और अखिल का अफेयर है, और अखिल का अफेयर हुआ शगुन से। अब आगे आप खुद बोलेंगे या इस ऑफिसर से कहो? बहुत प्रोफेशनल है। सर सर मैं बताती हूँ आपको। सर शगुन ने अखिल को अपने प्यार के जाल में फंस लिया था। मैंने कोशिश भी की कि मैं शगुन को इस कंपनी से निकलवा दूँ, फिर एक दिन मुझे पता चला कि शगुन गायब हो गई है। शगुन गायब नहीं हुई थी, उसे गायब करवाया गया और उसे मरवाया तुमने। नहीं सर, मैंने नहीं मारा है उसे और ना ही मैंने उसे गायब करवाया है। चलो तुम्हारा तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अखिल जब शगुन ऑफिस नहीं आ रही थी तो अखिल ने एक बार भी जाने की कोशिश नहीं की कि शगुन कहाँ है? सर मैंने ही उसे फोर्स किया था, मैंने उसे कहा था कि अगर उसने शगुन को ढूंढने की कोशिश भी की तो उसे इस कंपनी से विड्रॉ करना होगा। ये नेता जायसवाल है, इसका आपसे और शगुन से क्या ताल्लुक है? मैं नहीं जानती किसी अनिता जायसवाल को। ये हेमानी अपने साथ साथ अखिल का भी कवर अप कर रही है, हो सकता है इन दोनों ने मिलकर शगुन को गायब किया हो। नजर रखो इस पे। यस सर। हाँ सुमित। सर कुछ दिन पहले रावती गांव के एक प्लॉट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जहाँ खुदाई के दौरान एक सरकटी लाश मिली, जिसका पोस्टमार्टम हमारे ही डॉक्टर ने किया था। सर वो डॉक्टर आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, नजर रखो इस पे, मुझे बिजनौर जाना पड़ेगा। यस सर। इस लड़की की उम्र भी 22 से 23 साल है, इसका भी गला काटा गया है पर बाकी के बॉडी पार्ट्स इंटैक्ट है। पहले सेडेटिव दिया गया है, गला दबाया गया है, फिर सर काटा गया है। इसके बॉडी पे भी नमक के ट्रेसेस मिले थे। सेम मॉडस ऑपरेंडी। जी, इस बार शायद नमक की मात्रा कम थी इसलिए बॉडी थोड़ी सी बच गई है। एक और बात है, शगुन की बॉडी मिलने से एक महीने पहले इस लड़की को दफनाया गया है। हो सकता है किसी सीरियल किलर का काम हो, जो शहर की जवान लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। अगर ये कोई सीरियल किलर है सर, तो इसने अब तक कई लड़कियों को अपना टारगेट बनाया होगा और अब शायद ये अपने अगले टारगेट की तलाश में भी होगा। शहर के सभी थानों को अलर्ट करो, जितना हम सोच रहे थे ये केस उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अनीता और शगुन ब्लाइंड मर्डर केस अब किसी सीरियल किलर की संभावना की ओर इशारा कर रहा था, पर इस केस में एक कमजोर सी लीड तलाशना भी रेत में सुई ढूंढने जैसा था। पर कड़ी मेहनत के बाद एक लीड पुलिस के हाथ लगी। सर रावती गांव जहाँ दूसरी लड़की की लाश मिली थी, हाईवे से काफी अंदर है, ज्यादा लोग आते जाते नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक आदमी मिला जिसने कुछ देखा था। उस रात एक कार आई थी और कुछ नमक के पैकेट खरीदे और चले गए, और कार में एक बड़ा सा एरोप्लेन का स्टिकर लगा हुआ था। एरोप्लेन तो फ्लाईवे माईवे टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी के स्टिकर में भी है। कुछ भी बोले जा रहे हैं आप, अभी तक कह रहे थे कि शगुन का मर्डर मैंने किया है, अब एक और लड़की का मर्डर का इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो आपके ऑफिस की गाड़ी उस रात रावती गांव में क्या कर रही थी? सर हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। सर मैं आपको सब बताती हूँ। हमारे ऑफिस में 3 गाड़ियाँ हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, और तीनों गाड़ियाँ जमाल की हैं। सर एक बात और, इस जमाल ने ही शगुन को रेकमेंड किया था हमारे ऑफिस में जॉब के लिए। रावती गांव, पता नहीं साहब, जुलाई के महीने में तो हम अजमेर में थे, अपने दोस्त के शादी में गए थे, यहाँ पे हमारा भतीजा इमरान ही सब संभाल रहा था साहब। सर मैंने सिर्फ लाश दफनाने में मदद की थी। किसकी मदद की थी? पक गया था झाड़ फूक के काम से, कुछ बड़ा करना चाहता था जिंदगी में, इसलिए मैंने अनीता को फंसाया था। बड़े बाप की बेटी थी ना वो, लेकिन साहब एक दिन उसके बाप ने और उसके गुंडों ने मिलकर मुझे बहुत मारा, फिर साहब मेरे लिए एक रास्ता खुल गया। समीर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हमारे प्यार को कोई भी नहीं समझेगा। अनीता तुम एक काम करो, तुम घर से जितने भी पैसे और गहने ले सकती हो ले लो और हमारे साथ भाग चलो। साहब मैंने फिर इमरान से बोलकर अनीता का सिंगल टिकट करवाया था भोपाल का, और अपना टिकट मैंने अलग से करवाया था ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। इमरान ने अनीता की टिकट शगुन से करवाई थी? हेलो शगुन,
मेरी एक फ्रेंड है, क्या तुम उसकी एक टिकट हिसार से भोपाल बुक कर दोगी क्या? नाम बताना पूरा। अनीता जायसवाल। मेरा नाम, मेरी रियल आइडेंटिटी। अनीता को कुछ भी नहीं पता था साहब, वो बहुत भरोसा करती थी मुझ पर, लेकिन एक दिन उसे सब कुछ पता चल गया। तुम्हारा असली नाम साकिब है। अनीता, मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाला था। अपना सब कुछ छोड़कर, अपने घर में चोरी करकर मैं ऐसे इंसान के साथ भागी हूँ जिसने मुझसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है आज तक। अनीता मेरी बात छूना मत मुझे। हमारे बीच जो भी था ना, सब खत्म। अनीता मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ कहा है, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्चा है। अब मुझे मेरे घर वापस जाना है बस। मैं इतनी आसानी से ये पैसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। कल सुबह तो अनीता चली जाएगी सारे पैसे लेके अपने बाप के घर। मार डालूंगा साली को, झंझट ही खत्म, फिर पति नहीं लखपति बनेंगे अपन दोनों। बोल क्या बोलता है? ये कल रात की बस की टिकट है हिसार की। तुमने सही फैसला किया, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज मेरा गुस्सा अपने आप पर मत निकालो। कल शाम से तुमने कुछ खाया भी नहीं है, ये खा लो प्लीज। सर अलग कर दे इसका, किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन थी। अनीता को मारने के बाद सारे गहने और पैसे हमने आपस में बांट लिए थे, फिर मैं भोपाल चला गया और मैंने अनीता का सोशल मीडिया का अकाउंट एक्टिव ही रखा था मेरे फोन में, ताकि सबको यही लगे कि अनीता अभी भी जिंदा। शगुन को क्यों मारा? मैंने शगुन को नहीं मारा, मैं तो उसे जानता तक नहीं था। तेरी सारी पोल खुल चुकी है, इमरान ने हमें सब बता दिया, इन दोनों मर्डर्स का मास्टरमाइंड तू ही है। साहब इमरान झूठ बोल रहा है, और उसी ने शगुन को मारा और यही हमारी डील हुई थी साहब, सच कह रहा हूँ मैं। बहुत प्यार करता था मैं शगुन से, लेकिन वो मुझे कभी सीरियसली लेती नहीं थी, बच्चा समझती थी वो मुझे। शगुन आई लव यू। इमरान तुम भी बच्चे हो, अंडे से निकले नहीं कि प्रपोज करने आ गए। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? मुझे लगा आज नहीं तो कल वो भी मुझसे प्यार करेगी, पर वो अपने बॉस अकिल से चिपक गई। शगुन पागल हो गई थी अकिल के प्यार में, उसने उसके नाम का टैटू तक बनवा लिया था। ए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सोचा शगुन मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। साकिब अब तेरी बारी है, तुझे मेरी मदद करनी होगी शगुन को मारने में। एक दूसरे की मदद करने का, अब जेल में बैठ के एक दूसरे की पत्थर तोड़ने में मदद करना। एक बिना सर की अज्ञात लाश का बरामद होना, जिसकी तहकीकात ने कई हत्याओं की साजिश का पर्दाफाश कर दिया, ये केस फिर से इस बात पर मोहर लगाता है कि क्राइम नेवर पेस। समीर उर्फ साकिब और इमरान के खिलाफ पुलिस स्ट्रॉन्ग चार्जशीट तैयार कर रही है, ताकि दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।